सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह हम एक छोटा सा बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे और किस तरह हम घर बैठे उसे एक अमेजोन अली बाबा इन प्लेटफॉर्म्स तक लेके जा सकते हैं तो so, देखें आपका बिज़नेस तभी चलेगा जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी अगर तो आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो जो आउटडेटेड है जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है या जिससे कोई ख़रीदता नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा नंबर वन पे आपने ये करना है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो मार्केट में सेल होती हो जैसे अमेजोन पे आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी कप्स बिक रहे हैं कॉफ़ी कप सेल हो रहे हैं और अमेजोन पे कैप्स सेल होती हैं स्पोर्ट्स की इस तरह की सबसे पहले आपको आइटम चूज़ करनी है जिसकी रीसेल हो जो सेल होती हो अच्छी तरह तो देखें सबसे पहले आपने पहले दिन से ये नहीं करना कि अगर आपने किसी वीडियो देख लिया किसी यूट्यूबर की कि मैं अमेज़ॉन से महीना चार लाख कमाता हूँ तो आप डायरेक्ट अमेज़ॉन पर अकाउंट बनाओ और आपने डायरेक्ट अमेज़ॉन पर लिस्टिंग डालनी शुरू कर दी इस तरह आपसे कुछ नहीं होगा हर चीज़ का एक स्टेप होता है हर चीज़ का प्रोसेस होता है तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ मैं भी अमेज़न पर काम कर रहा हूँ तो एमेज़ॉन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अली बाबा और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इट्स ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है आपकी अगर आपने महीना लाखों कमाने हैं डॉलर में कमाना है तो यस दीज़ आर बेस्ट प्लेटफॉर्म्स मगर मैं आपको अगर अपने सफ़र से बताऊं अपनी जर्नी से बताऊं तो मैंने इस तरह नहीं स्टार्ट किया लेकिन सबसे पहले आपने प्रोडक्ट वो चूज़ करनी है जो जिसमें क्वालिटी हो डैट सपोज़ अगर आपने चूज किया है स्पोर्ट्स कैप तो अगर मैं पाकिस्तान में बताऊँ आप उसे किस तरह सेल कर सकते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट ईजी वे है ईजिएस्ट वे है आप फेसबुक पर अपना एक, एक अकाउंट बनाएँ और इसे फेसबुक में मार्केट ब्लेस में लिस्ट कर दें बस आपने ये शुरू में काम करना है इस फेसबुक के मार्केट ब्लेस के लिस्टिंग से आपका इतना अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा आपको एज आ स्टार्टअप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी कि आपको आगे फिर कोई चीज़ रोकेगी नहीं मैंने जो सबसे पहले काम किया था फ़ेसबुक पर रैंडमली अकाउंट बनाया था और मार्केट प्लेस में अपनी प्रोडक्ट सेल पर डाल दी थी कीमत लगाई मैंने उसकी तस्वीरें डाली उसे मैंने बेचने पर लगा दिया और मुझे पाँच दस मिनट बाद ऑर्डर आ गया तो इस तरह होता है फेसबुक की मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा ऑडियंस हैं आजकल हमें लगता है कि फेसबुक आउटडेटेड सी हो गई है फेसबुक में कोई लोग फ़ेसबुक इस्तेमाल नहीं करते हैं ना कि गलत बात है पाकिस्तान में बहुत बड़ी ऑडियंस फेसबुक यूज़ करती है और बहुत ज़्यादा आपकी सेल होती है प्रोडक्ट्स की खाली अगर मैं फ़ेसबुक से बताऊँ तो मैंने ढाई लाख तक महीने की सेल की हुई है ढाई लाख रुपए मैंने कमाए थे प्रॉफिट फेसबुक से सेल ऑलमोस्ट पाँच से छः लाख की हुई थी मेरी तो और मेरी इतनी कोई बड़ी प्रोडक्ट नहीं थी इतना छोटी प्रोडक्ट ही थी तो फेसबुक से खाली मैंने इतने कमाए थे तो वो देखें फेसबुक से आपको ये होगा कि आप शुरू में अपने दो महीने फेसबुक में लगाए दो तीन महीने आपको एक्सपीरियंस होगा कि यार बिजनेस कैसे करना है कस्टमर से डीलिंग कैसे करनी मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मुझे कितनी प्राइस रखनी चाहिए डिलीवरी किस तरह करनी है इस प्रोडक्ट की आपने फेसबुक पे इसके बाद अपना एक पेज बनाना है मार्केट प्लेस में इसके साथ साथ बना लें महीने बाद आप अपना एक पेज बना लें फेसबुक पर तो आप पेज पर प्रोडक्ट्स डालें नंबर रिमेंबर वन थिंग आपकी प्रोडक्ट की चीज़ आपकी प्रोडक्ट बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए आप जिस तरह उसके डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो जिस तरह प्रोडक्ट के फोटोज़ लगा रहे हो बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए तो पेज जब बनाओ उसके ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट करो बूस्ट लगाओ आपके इजीली पाँच से छः हज़ार फॉलोअर्स हो जाएंगे तो इसके बाद आप साथ साथ जो सेकंड स्टेप है वो है इंस्टाग्राम पर भी अपना एक अकाउंट बनाओ इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने से ये होगा कि मजीद आपका फैला अपना बिजनेस फैलाओगे तो इंस्टाग्राम पर बेसिकली आपने इमेजेस प्रोडक्ट की डालनी है तो आपने इंस्टाग्राम पर भी इस तरह अपना अकाउंट बना लिया तो इसके बाद फिर जो थर्ड काम है वो आपने करना है अगर आपकी अच्छी खासी सेल हो गया कि महीने में आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरे इतने प्रोडक्ट्स बिकेंगे अगर आपके अच्छे खासे परमानेंट क्लाइंट्स बन गए हैं आप एक वेबसाइट बनवाओ वेबसाइट से आपका बिजनेस ऐसे यूँ बढ़ेगा तो वेबसाइट आपने बनवाओ कोई भी शॉपिंगफाई पर वो कॉमर्स पर कोई भी वेबसाइट बेसिक बेसिक्स बनवा लो उस पर आप प्रोडक्ट डालना शुरू कर दो उस पर ऐसी करना शुरू कर दो ये वो फ़र्स्ट स्टेप है जहाँ से आप इंटरनेशनल ऑडियंस गेन करना शुरू करोगे या अगर आपने यू काम करना है यू काम करना है आप फिर आप वेबसाइट के थ्रू इन इधर किसे कस्टमर गेन कर सकते हो खाली वेबसाइट से मुझे तीन तीन लाख के भी ऑर्डर आए हुए हैं तो वेबसाइट इज़ द बेस्ट थिंग बहुत बड़ी ऑडियंस आती है वेबसाइट पे आप वेबसाइट पे प्रोडक्ट डालो इसके ऐसी करो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो इस इस तरह करते करते दो तीन चार महीने आप वेबसाइट पे लगाओ इस पर ध्यान दो डेली इस पर प्रोडक्ट डालो और कोशिश करो इसकी प्रमोशन हो गूगल एड्स लगाओ तो इन चीज़ों से आपका बिजनेस बढ़ेगा तो इसके बाद जो अब आपने तीन प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट काम किया है अब आप इस इस काबिल हो गए हो आप कितने परमानेंट क्लाइंट्स बन गए कि आप इस बिज़नेस को अमेज़ॉन पर शिफ्ट कर सकते हो फिर ऑलमोस्ट सात से आठ महीने आठ नौ महीने के स्ट्रगल के बाद आप अमेज़ॉन पर अकाउंट बनाओ तो so अमेज़ॉन पर अकाउंट बनाते साथ ही पहले दिन नहीं होगा कि आपको पहले दिन ही डॉलर्स में इनकम आना शुरू कर देगी अमेज़ॉन पर भी एक तरीका होता है प्रोडक्ट डालने का सबसे पहले आपने अगर आपको तीन चार अगर आप प्रोडक्ट डालते हो अपनी तो उनमें से आपकी एक प्रोडक्ट वायरल होगी सिर्फ यानी अगर आपने चार तरह के कैप्स डाले हैं आपने शूज़ डाले हैं तो उनमें से प्रॉबीबलिटी है कि सिर्फ़ एक कैप आपकी वायरल हो तो वही प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगी तो अमेज़ॉन पर आपने तरीके से काम करना है घबराना नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी याद रखना मैंने क्यों आपको कहा कि पहले सात आठ महीने आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाओ ताकि आपके पास से कस्टमर आएँ आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे हों अगर आप डायरेक्ट पहले दिन से अमेज़ॉन पर काम करना शुरू करोगे फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं होंगे और आप घबराओगे फिर बिजनेस से सो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अमेज़ान पे आपको ऑलमोस्ट 50 डॉलर हर महीने अमेजान पर फ़ीस पे करनी पड़ेगी यानी 10 ग्यारह हज़ार आपको हर महीने अमेज़ॉन पर फीस देनी पड़ेगी आपके अकाउंट की इसके अलावा अमेजान चार्जेस बहुत ज़्यादा लेता है इन सारे चार्जेज़ के बाद आपको अगर पर प्रोडक्ट अगर आपको दो तीन डॉलर बच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अमेजॉन पर आपकी सेल ऐसे नहीं होने के महीने के दस प्रोडक्ट बिक गए बीस बिक गए अमेज़ॉन पर इस तरह होना है कि आपके रोज़ के तीस प्रोडक्ट सेल हुई रोज़ की सत्तर प्रोडक्ट सेल हुई अमेज़ॉन पर इस तरह होना है तो अगर आप रोज़ की इतनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपको पर प्रोडक्ट में भी एक डॉलर बच रहा है फिर आपको और क्या चाहिए अच्छी खासी डॉलर्स में इनकम होगी सो so, इस इन सारी चीज़ों से पहले यह है कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास सात आठ महीने पहले ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करो उसके बाद अमेजान पर शिफ्ट हो क्योंकि अमेजान पर आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अमेज़ॉन को नहीं चला सकते मैंने भी ऐसे किया था कि इन्वेस्टमेंट के बगैर अमेजान पर मैंने चीज़ें डालना शुरू कर दी थी तो ये होता था कि जब कोई वो मेरे कार्ड से डिडक्शन करता था तो मुझे घुराता था कि इतने पैसे कट गए तो इस तरह नहीं होना चाहिए परमानेंट क्लाइंट्स पहले बनाओ अपने बिजनेस को फ्लोरिश करो फिर आप अमेज़ॉन पर शिफ्ट हो तो अगर इन समरी में बात करूँ सबसे पहले फेसबुक पर प्रोडक्ट सेल करो फिर इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाओ वहाँ प्रोडक्ट सेल करो फिर वेबसाइट बना लो अगर पाकिस्तान में हो आप तो आप दराज डॉट बी के नाम से वेबसाइट है वहाँ भी आप अकाउंट बना के सेल कर सकते हो तो उसके बाद आप अमेजोन पर शिफ्ट हो फिर सेम मेथड आप अली बाबा पर करो और जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इट्स इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म पर आप करो काम तो इन शह फिर आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तो ये तरीका है बिजनेस करने का ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं देखें ये तरीका मैंने बेसिक बताया अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो पहले महीने में लाखों रुपए कमाने लग जाते हैं तो यस वो उनकी क्रिएटिविटी होती है मगर हर बंदा एक जैसा नहीं होता तो मैंने सबके हिसाब से वीडियो बनाई है कि हर तरह का बंदा एक बिजनेस शुरू कर सके तो ये बात याद रखें कि पूरे साल की स्ट्रगल है आपकी अगर साल पूरा मेहनत करोगे तो आप अपना बिजनेस करो बना सकते हो आप डॉलर्स में कमा सकते हो सो होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अल्लाह हाफिज